हाय फ्रेंड्स, सभी का बहुत बहुत स्वागत है चैनल के एक और नए एपिसोड में। एंड गाइस, फिर से स्वागत करता हूँ एक फ्रेश क्लैश ऑफ क्लैंस की वीडियो में। दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं #23 फिक्स दैट रश। यस, 23 वीडियोस गाइस फिक्स दैट रश की, अभी पता नहीं कितने और आने वाले बाकी हैं। तो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। और आप देख सकते हैं कि चार बिल्डर्स मेरे खाली हैं, उसी के साथ मेरा लैब भी खाली है। लैब में मैंने सोच रखा है कि आपको एक बार पहले टूर देता हूं। आप देख सकते हैं यहां पे गाइस, बेसिकली मेरा विजर्ड बाकी है, आर्चर, बारबेरियंस और गॉब्लिंस तो मैं अभी नहीं करना चाहता, क्योंकि बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उनके ऊपर फोकस करूंगा। स्पेल्स के मामले में बात करूं तो दो स्पेल्स मेरे को अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक जम को 3 करना एंड फ्रीज को जितना जल्दी से जल्दी हो सके एटलीस्ट 5 लेवल तक लेके जाना। एटलीस्ट नहीं, 5 लेवल तक ही जाता है टाउन हॉल 10 में, तो ये अभी के लिए मेरी सबसे ज़्यादा बड़े प्रायोरिटीज़ हैं। और उसी के साथ डार्क ट्रूप्स। अब देखिए, डार्क ट्रूप्स के बारे में बात करूं, जो मैं ज़्यादा यूज़ करता हूं बोलर्स और हॉग्स को, उसको मैंने अपग्रेड कर लिया है। अब जिसे मेरे को अपग्रेड करना है वेल्क्री एयर विचेस को। सो अभी मैं सोच रहा हूं कि मैं कोई भी एक डार्क ट्रूप या फिर स्पेल्स में मैं दे सकता हूं शायद फ्रीज को, क्योंकि फ्रीज स्पेल का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है सिंगल इन्फर्नो, आपको पता है। मल्टीपल कभी कभी यूज़ कर सकता हूं मैं, बट वैसे बेसिकली ज़्यादा वॉर में अटैक तो मैं हॉग्स के साथ करता हूं, जहां पे मैं ज़्यादा फ्रीज यूज़ करता नहीं हूं। बट फिर भी अगर आपको अलग अलग स्ट्रेटजीज ट्राई करनी है तो सारी चीज़ों को अपग्रेड होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो अभी मेरे लिए थोड़ा कन्फ्यूज्ड हूँ मैं, बट पहले थोड़ा फार्म करते हैं, उसके बाद देखा जाएगा कि मैं क्या अपग्रेड करूँगा। अभी वैसे बेसिकली आप देख सकते हैं यहाँ पे गोल्ड है थोड़ा बहुत मेरे पास, एलिक्सिर भी थोड़ा बहुत है, डार्क इतना ज़्यादा तो नहीं है बट फिर भी थोड़ा बोड़ा है। तो इन चीज़ों का यूज़ करके हम कुछ अपग्रेड्स पर डालेंगे। मैं एक चीज़ ढूंढना चाहता हूँ, ये कि एक बिल्डर जो बिजी है वो क्या कर रहा है। ओके, वो एक बम टावर कर रहा है यहाँ पे 5 hours and 41 minutes, जो कि लास्ट एपिसोड में हमने अपग्रेड पे डाला था। तो चलिए शुरू करते हैं, कुछ फार्मिंग करते हैं एंड उसके बाद मैं, जैसे मैंने बताया क्या क्या अपग्रेड करूँ, उसके बाद मैं सोचूंगा। देखिए, पहले बहुत लोग मेरे को बोल रहे थे कि भाई पहले के एपिसोड्स में आप एक ही एपिसोड में सारे बिल्डर्स को बिजी कर देते थे, बट अभी क्या हो रहा है, अभी सारे बिल्डर्स एक एपिसोड में आप बिजी क्यों नहीं कर पा रहे हो। तो इसका रीज़न बहुत ही सिंपल है। जब फिक्स द रश हम लोग शुरू किया थे हम लोग ने, तो वहाँ पे एक सीन ये था गाइज़ कि जो चीज़ें थी, जो डिफेंसेस थे, वो बहुत लो थे, उनका जो अपग्रेड कॉस्ट था बहुत ही कम था। अब डिसेंटली अपग्रेड हो चुके हैं, अब सारे कॉस्ट जो है वो भी बढ़ गए हैं, 50 lakh 60 lakh के एक एक बिल्डिंग आते हैं। तो मेरा जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो तो 80 lakh है मे बी, तो उससे ज़्यादा तो हम रख भी नहीं सकते, और इसीलिए एक ही एपिसोड में मैं ज़्यादा कुछ अपग्रेड नहीं कर पाता हूं। तो यहां पे एक बेस मिला है जिसमें डिसेंट लूट है गाइज, और इस बेस में मेरे को ज़रूर अटैक करना चाहिए। मेरे ख्याल से मेरे को कुछ अच्छा लूट यहां पे मिल पाएगा। सो कहाँ से शुरू करूँ, चलिए यहीं से शुरू करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वीन का एक्सेस मिलेगा और उसी के साथ सीसी भी मेरे ख्याल से ल्यूर हो सकता है। दोपेका मैं यूज़ कर रहा हूँ गाइस। बहुत लोग मेरे से ये भी पूछ रहे थे कि आप हमेशा माइनर सी यू क्यूज यूज़ करते हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एलिक्सिर कंज्यूम होता है। बट गाइस, एक चीज़ आप ध्यान से सुन लो कि अगर आपको ओवरऑल लूट अच्छा गेन करना है एटलीस्ट टाउन हॉल 10 में, तो मेरे ख्याल से माइनर्स बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि माइनर्स डार्क एलिक्सिर तो उसका कॉस्ट नहीं लगता वहाँ पे। अरे यार, सारे के सारे बेचारे विजर्ट्स एक साथ शहीद हो गए, पर कोई बात नहीं, अभी भी हमारे पास बहुत सारा ट्रूप बचा हुआ है। मैं यहाँ पे अपने माइनर्स को अब ड्रॉप करने वाला हूँ यहाँ से। ओके, सारे माइनर्स को मैं यहीं पे ड्रॉप करूँगा, क्योंकि ये एक मल्टी टारगेटिंग इन्फर्नो टावर यहाँ पे मौजूद है, जो कि मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम देगा। बट कोई नहीं, मैं यहाँ पे काम करता हूँ, फर्स्ट रेज मैं यहाँ यूज़ करता हूँ, ताकि यहाँ पे जो इन्फर्नो है उसका टेक केयर कर दे हम लोग जल्दी। बहुत सारे, ओके, बैड 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 बैड, बहुत ही गलत सीन हो रहा है मेरे साथ यहाँ पे। चलिए यहाँ पे एक हील यूज़ करते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं बम टावर भी था यहाँ पे, उसी के साथ बहुत ज़्यादा डैमेज ले रहे थे मेरे सारी चीज़ें, तो यहाँ पे मेरे को यूज़ करना पड़ा। अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं चाहता था यहाँ पे यूज़ करूँ, मैं थोड़ा होल्ड करना चाहता था, बट मेरे को करना पड़ा क्योंकि कुछ ऑप्शन नहीं था, बहुत ज़्यादा डैमेज सोक कर रहे थे मेरे सारी चीज़ें। पेका के ऊपर रेज का इफेक्ट हो चुका है और पेका बहुत अच्छा काम कर रहा है। मेरे ख्याल से ये बेस निकल जाएगा, 3 star में भी हो जाएगा, क्योंकि इस चीज़ें बहुत ज़्यादा डैमेज्ड हो चुकी हैं इसकी बेस में। ये सारे डिफेंस टेक डाउन हो चुकी है, ये बेस जो है 3 star हो गया, और लूट जो है वो डिसेंट मिला हमें विद बोनस, क्योंकि मैं मास्टर लीग में हूँ, मास्टर 2 या फिर मास्टर 3 मेरे को याद नहीं है इतना, तो जो बोनस मिलता है वो भी डिसेंट मिल जाता है। और जितना ज़्यादा लूट हो सके एज पॉसिबल आप करें, क्योंकि फिक्स्ड रश का यही सबसे बड़ा मोटो है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लूट गेन करना है। मैं भी मास्टर 2 में हूँ, 1,35,000 मेरे को बोनस मिल रहा है, जो कि बुरा नहीं है, ठीक है। और डार्क देख सकते हैं मेरे, मतलब 4,400 मिला, जो कि बोनस लेके 5,000 क्रॉस कर रहा है, जो कि बहुत अच्छा क्वांटिटी है। सो ये फर्स्ट अटैक था, मे बी इस अटैक के बाद मैं एटलीस्ट एक चीज़ तो अपग्रेड कर ही सकता हूँ। बट मैं सोच रहा हूँ कि और कुछ रेड्स मैं करूँ और उसके बाद एक ही बार फाइनली एक ही साथ सारी चीज़ों को अपग्रेड में डाल दूँ, ठीक है। तो आई गेस यहाँ पे सब कुछ रेडी है, बट सेकेंड सेट ऑफ आर्मी मैं ट्रेन करने के लिए डाल देता हूँ, एंड उसी के साथ मेरे सीसी रिक्वेस्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, और हीरो को रीजनरेट होने में, मतलब किंग को रीजनरेट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो मैं एक काम करता हूँ गाइस, बस कुछ सेकंड्स के लिए मैं वीडियो को स्किप करता हूँ, और जैसे मेरी सारी चीज़ें रेडी हो जाती है मैं वापस आता हूँ। सो गाइस, वेलकम बैक, और पूरी आर्मी रेडी हो चुकी है, सीसी वगैरह सब कुछ मिल गया है, ठीक है, सिर्फ सीज नहीं मिला, बट
मल्टीप्लेयर में कौन हमेशा सीज देगा मेरे को। सो यहाँ पे गाइज आप देख सकते हैं कि हमारा जो क्लैन वॉर लीग से वो भी चल रहा है, 6-13 वो लोग ने, 6-12। अभी तो कुछ नहीं बोल सकते, ओपोनेंट जो है प्रॉब्लम यही है गाइज, आप देख सकते हैं कि उनके पास टाउन हॉल 12 का एडवांटेज है, टाउन हॉल 11 का एडवांटेज है और थोड़ा सफर कर रहे हैं। मेरे को पता है सब लोग सफर कर रहे हैं, बहुत सारे मेल्स भी मेरे को मिले, बहुत सारे कमेंट्स भी मेरे को मिले कि मैच मेकिंग का जो इशू है बहुत ज़्यादा हो रहा है क्लैन वॉर लीग्स में। तो इसका रिगार्डिंग मैं सोच रहा हूँ कि एक वीडियो में बनाऊंगा और आपको चीज़ें क्लियर करूंगा कि ये क्यों हो रहा है और क्या इसका सोल्यूशन होगा इन फ्यूचर या नहीं होगा। चलिए अभी तो फिलहाल हम लोग वीडियो में वापस आते हैं और अटैक में चलते हैं और देखते हैं कि इस वाली अटैक में हम लोग कितना ज़्यादा से ज़्यादा लूट गेन कर सकते हैं। वैसे डेड बेसिस का मिलना थोड़ा बहुत कम हुआ है जब से मैं मास्टर 2 में आ चुका हूँ, क्योंकि पहले तो भाई 2-3 सर्च में डेड बेसिस मिल जाते थे, बट अब थोड़ा कम हो गया है। बट एक चीज़ अच्छी है कि अभी मेरे को जो बेसिस मिल रहे हैं वहाँ पे अच्छा मेरे को बोनस भी मिल रहा है और डिसेंट बेसिस मिल रहा है। जैसे कि ये वाला बेस आप देख सकते हैं गाइस, ये टाउन हॉल 11 है। मेरे को पता मैं थोड़ा स्ट्रगल करूँगा यहाँ पे, बट लूट का जो क्वांटिटी आप देख सकते हैं काफ़ी है। सो थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हूँ कि अटैक करूँ ना करूँ। अगर करता हूँ तो फिर मैं, ये तो श्योर है कि मैं 3-स्टार नहीं कर पाऊँगा, बट अगर मैं इस वाला जो, ये वाला जो पोर्शन आप देख सकते हैं इसको मैं अटैक करके फिनिश कर पाऊँ तो काफ़ी सारा लूट मेरे को मिल सकता है। इन्फर्नो टावर्स अपग्रेडेड है तो वो देख के मेरे को थोड़ा सा टेंशन तो हो रहा है, बट फिर भी मैं सोच रहा हूँ कि इस बेस के ऊपर मैं अटैक कर दूँ। लालच भाई, लालच आपको पता है बहुत बुरी बला है, बट फिर भी कभी कभी लालच कर लेना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे मैंने डाल रहे हैं, यार मैं भूल गया था कि बोलर्स है मेरे पास, चलिए हील करता हूँ। सो ये एक सेटबैक, पहले ही जैसे मैंने ड्रॉप करी अपने ट्रूप्स एक सेटबैक मिला, मैं भूल गया था कि मेरे पास बोलर्स हैं सीसी में। मैं विजर्ड सोच के, सॉरी जायंट सोच के मैंने ड्रॉप कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे चलिए माइनस को ड्रॉप करते हैं। अब तो मतलब आपको पता है गाइज, एक बार भसड़ मच जाने के बाद उसे मेकअप करने के लिए हम मतलब बहुत कोशिश करते हैं, और जितना कोशिश हम लोग करते हैं उतना मुंह के बल गिरते हैं। अब ये मेरे साथ यही होने वाला है, मेरे को लग रहा है कि मैं जितना कोशिश करूँगा कि मेक ओवर करूँ मैं, उतना ज़्यादा मैं बुरा फंसने वाला हूँ इस वाले अटैक पे। तो यहाँ पे हील करते हैं क्योंकि इन्फर्नो टावर्स लॉक्ड है मेरी माइनर्स के ऊपर और सारे स्पेल्स मैंने यहीं खर्च कर दिए हैं, तो फिर ज़्यादा कुछ बचा नहीं है मेरे पास। अटैक तो भाई पता नहीं यार क्या बोलूँ मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। यहाँ पे रेज एक फाइनल रेज बचाए ट्रॉप की ड्रॉप कर देते हैं, थोड़ा वैल्यू मिल जाएगा। बट ओवरऑल मैं बात करूँ तो काफ़ी मतलब बुरा गया ये अटैक, और मेरे को पता था जैसे मैंने वहाँ पे माइनस को ड्रॉप, सॉरी सीसी को ड्रॉप किया और सीसी से बोलर्स निकले, तभी मेरे को पता चल गया था कि अब ये पूरा जो सीन होने वाला है वो कुछ बवाल होने वाला है। तो चलिए यहाँ पे क्वीन की एबिलिटी पॉपअप करते हैं और उसी के साथ एक बेबी ड्रैगन है मेरे पास, बट मेरे ख्याल से बेबी ड्रैगन ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगा, ज़्यादा क्या थोड़ा मोड़ा कुछ कर नहीं पाएगा। बट एक काम कर सकते हैं हम लोग, कुछ यहाँ पे कलेक्टर लूट अगर मिलता है तो सही है। यहाँ पे मैंने बेबी ड्रैगन को ड्रॉप किया, गोल्ड मिला हमें थोड़ा सा, डार्क एलिक्सिर भी थोड़ा सा मिला है, बट एलिक्सिर बहुत सारा रह गया। चलो कोई बात नहीं, जितना भी मिला उसी से संतोष करना पड़ेगा क्योंकि अब गलती तो हमारी ही है, तो फिर अब करके तो कुछ फ़ायदा है नहीं। चलिए यहाँ पे मैं आर्चर्स को ड्रॉप कर देता हूँ और एंड बैटल करते हैं, देखते हैं क्या मिला। गोल्ड मिला ठीक, डार्क एलिक्सिर में कुछ बुरा नहीं मिला, बट एलिक्सिर में भाई बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ। चलो कोई नहीं, हो जाता है कभी कभी। तो फिलहाल गाइस दो अटैक्स हमने कर दिए हैं ऑलरेडी और हमें जो लूट मिला है वो ये है। अभी कुछ रेड्स और करना है, उसके बाद सोचते हैं कि कौन सी चीज़ों को अपग्रेड करें। मैं फिर से अपनी आर्मी को ट्रेन करने के लिए डाल देता हूँ और उसके बाद देखते हैं क्या कर सकते हैं। मैं वीडियो को फिर से थोड़ा स्किप करूँगा ताकि मेरी आर्मी जब रेडी हो जाए फिर वापस आते हैं। सो फाइनली सब आर्मी रेडी है, सब कुछ रेडी, यस चलते हैं फिर से एक रेड में और देखते हैं इस बार कुछ अच्छा लूट मेरे को करना है। मैं थोड़ा सब्र रखूंगा इस बार क्योंकि मैं मैक्सिमम टाइम यही करता हूं, जब दिखता है कि मेरे को लूट ज़्यादा है बट डिफ़िकल्ट बेस है फिर भी मैं कूद पड़ता हूं। अब मेरे को पहले पता होता है कि मैं मुँह के बल गिरना है, फिर भी ऐसा हो जाता है, मतलब काबू नहीं रहते अपने ऊपर। सो गाइज़ यहाँ पे टाउन हॉल 10 और लूट तो दमदार मिला है, बट बहुत ही डिफ़िकल्ट बेस है। बट एक चीज़ अच्छी बात है कि जो इससे इन्फर्नो टावर्स हैं वो सिंगल टारगेट है, और सिंगल टारगेट इन्फर्नो टावर्स का एक फ़ायदा ये है कि आप माइनर अटैक्स जब करते हो तो आपको थोड़ा सा फ़ायदा होता है। तो चलिए मैं कोशिश करूँगा इस बेस में अच्छा कुछ करने का, और आई विल गो फ्रॉम हियर गाइज। यहाँ पे मैं एक बेबी ड्रैगन ड्रॉप करूँगा ताकि मेरे को इस वाले कंपार्टमेंट में एंट्री चाहिए। यहाँ पे एलिक्सिर स्टोरेजेस ज़्यादा हैं तो देखते हैं क्या होता है, अभी तो फिलहाल ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता मैं। यहाँ पे ड्रॉप करते अपने जायंट्स को, उसी के साथ दोनों पेका को यहाँ पे ड्रॉप करता हूँ ताकि वॉल का जो लेयर उसे जल्दी से ब्रेक कर दे, और किंग एंड क्वीन को यहाँ पे ड्रॉप करते हैं। जैसे ही वॉल ब्रेक हो जाएगा और ट्रूप्स अंदर जाएंगे वैसे मैं विजर्ड्स को ड्रॉप करूँगा, बट सारे को एक साथ ड्रॉप नहीं करूँगा क्योंकि जायंट बम यहाँ पे हो सकता है, प्रॉबिलिटी है यहाँ पे जायंट बम की। सो ऐसा ना हो जाए कि मेरे सारे जो विजर्ड्स हैं एक बार जायंट बम के सामने आ जाए और सारे के सारे ऐसे बेमौत मारे जाए। सो अब सही लग रहा है मेरे को। अब एक बात ये होने वाली है यहाँ पे कि सारे ट्रूप्स मेरे जाने की साइड है। सो यहाँ पे एक रेज करता हूँ मैं, क्योंकि आपको पता है रेज के अंडर पेक का बहुत जल्दी वॉल का लेयर जो है वो ब्रेक कर देंगे, और बस सही है। सो अब सब कुछ सही लग रहा है। अब यहाँ पे अपने माइनर्स को ड्रॉप करता हूँ, अच्छा काम किया है मेरे ट्रूप्स ने। अब पूरा का पूरा जो जिम्मेदारी है वो माइनर्स के ऊपर है। एक एक हील करना चाहिए ये वाले पोर्शन में, मेरे ख्याल से थोड़ी सी वैल्यू मिलेगी।
पता नहीं मैंने रॉन्ग डिसीजन लिया या राइट डिसीजन लिया वहाँ पे हील करने का, बट मेरे को ऐसा लगा कि अगर हील करता हूँ तो अच्छी वैल्यू में भी मिल सकती है वहाँ पे, इसीलिए मैंने कर दिया हील। तो चलिए ठीक है, अब माइनर्स यहाँ पे इस कंपार्टमेंट में काम कर रहे हैं एंड जैसे अंदर कोर में जाएंगे वैसे मैं यहाँ पे रेज कर दूंगा। यस चलिए यहाँ पे रेज करते हैं और सारे माइनर्स एकजुट हो रहे हैं, सही है। तो मे बी 100% देखने तो ना मिले, बट फिर भी लूट जो है वो मेरे ख्याल से ज़्यादा हमें मिल सकता है यहाँ पे। और टाउन हॉल को निकाल दिया, यहाँ पे स्टोरेज भी निकल जाएगा उसी के साथ यहाँ पे। और अरे यार जाइंट बम, ओके सो अभी भी थोड़ा मोड़ा लूट बाकी है इस बेस पे, बट फिर भी जितना मिला है हमें उस समय खुश हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा खासा लूट मिला है हमें। और मेरे ख्याल से ये एलिक्सिर स्टोरेज जो है उसमें भी थोड़ा सा एलिक्सिर हमें और मिलेगा। डार्क मेरे को ज़्यादा ना मिले तो मेरे को दुख नहीं है, बट मेरे को एलिक्सिर चाहिए क्योंकि मेरे को लैब में अपग्रेड डालना है चीज़ों को और उसी के साथ बाकी बहुत सारी चीज़ें को अपग्रेड करना है। सो ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, जो मिला हमें बहुत अच्छा है। डार्क एलिक्सिर हमें इतना ज़्यादा नहीं मिल पाया, बट मैं एलिक्सिर से और गोल्ड से खुश हूँ क्योंकि मेरे को यही ज़्यादा अभी फिलहाल चाहिए, क्योंकि अभी मैं हीरोज़ को अपग्रेड नहीं करना चाहता क्योंकि मैं अभी CWL में भी हूँ। तो चलिए यहाँ पे अच्छा लूट मिला। तो गाइज़ एक और फाइनल रेड करेंगे और उसके बाद चीज़ों को अपग्रेड में मैं डालने की सोचूंगा कि कौन से चीज़ों को अपग्रेड करना चाहिए। एक चीज़ मेरे दिमाग में ये चल रहा है गाइज, मैं सोच रहा था कि सारे हिडन टेस्ला को एक बार ही अपग्रेड कर दूं मैं, सारे के सारे हिडन टेस्ला लेवल 8 के हो जाएंगे, अभी सारे के सारे लेवल 7 के हैं। सो एक अच्छी बात हो जाएगी क्योंकि टेस्ला बहुत ही ज़्यादा की रोल प्ले करते हैं। उसी के साथ मैं सोच रहा था उसके बाद मैं विजर्ड टावर्स को अपग्रेड करूँ। बम टावर्स तो अपग्रेड हो चुके हैं लेवल 3 तक, जो कि डिसेंट लेवल है, एक लेवल और अपग्रेड होंगे बम टावर्स। और बहुत सारे डिफेंस ऑलरेडी अपग्रेड हो चुके हैं गाइज, जैसे कि एयर डिफेंस की बात करूँ तो एक एयर डिफेंस अपग्रेड हो चुका है, 2 एयर डिफेंस, 3 एयर डिफेंस और बाकी हैं। सो नाइस, हम लोग बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो चलिए गाइज फटाफट मैं अपनी आर्मी फिर से ट्रेन करने के लिए डाल देता हूँ और जैसे मेरी आर्मी रेडी होती मैं वापस आता हूँ और लास्ट फाइनल रेड करेंगे, उसके बाद चीज़ों को अपग्रेड भी डाल देंगे। सो गाइज वेलकम बैक अगेन, येस फाइनली। तो ये होने वाला है लास्ट रेड गाइज इस वीडियो की और कोशिश तो यही है कि इस वाले रेड में ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड, ज़्यादा से ज़्यादा एलिक्सिर, ज़्यादा से ज़्यादा डार्क एलिक्सिर मैं कमा पाऊँ, या फिर कमा पाऊँ मतलब ये क्या होता है, रेड करके मैं लूट पाऊँ। तो चलिए चलते हैं एक और फाइनल रेड में और देखते हैं इस बारी हमें कैसा बेस मिलता है, क्या हमें डेड बेस मिलता है, क्या हमें ज़्यादा लूट मिल पाता है या नहीं है, सारे क्वेश्चन है अभी, देखते हैं आंसर क्या मिलता है। ओके फाइनली गाइज, ये बेस इतना ज़्यादा खतरनाक मेरे को नहीं लग रहा क्योंकि दोनों जो इन्फर्नोज हैं सिंगल टारगेटिंग इन्फर्नोज हैं एंड मे बी इस बेस में हम लोग लूट जो है वो अच्छा मिलेगा, बहुत सारा कलेक्टर लूट भी है। तो मैं कोशिश करूँगा कि इस बेस को अच्छे से मैं क्लियर करूँ। सो क्या करें, हाँ ओके चलो एक बेबी ड्रैगन यहाँ, फाइन, दूसरा बेबी ड्रैगन यहाँ पे। अरे यार इस वक्त कौन अरे भाई क्या ये क्या बात है, देखो ऐसे टाइम में मैसेजेस आ जाते हैं लोग के जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ। चलो कोई नहीं, इसे थोड़ा सा इग्नोर करते हैं और यहाँ पे अपने आर्मी को ड्रॉप कर देते हैं, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे ड्रॉप करते हैं, यहाँ पे किंग, यहाँ पे क्वीन। ओके वी आर रेडी टू गो गाइज। एक अच्छी चीज़ ये हो गई कि दोनों साइड जो है वो फनल क्रिएट हो गया और मेरे माइनर्स जो हैं वो बिल्कुल रेडी हैं कोर में जाने के लिए, बेस के कोर में जाने के लिए बिल्कुल ही रेडी हैं। ओके एक पिक का शहीद होने वाला है क्योंकि आपको दिख रहा होगा, आपको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा कि उसे सिंगल इन्फर्नो टावर ने पकड़ लिया था और सिंगल इन्फर्नो टावर किसी को भी पकड़ ले तो उसका बचना तो इम्पॉसिबल है, ये आपको पता होगा शायद। सो यहाँ पे माइनर्स ने अच्छा काम किया। अब मैं यहाँ पे एक हील कर देता हूँ क्योंकि एक बम टावर है यहाँ पे और बम टावर का स्प्लैश डैमेज जो है वो थोड़ा सा खतरनाक होता है माइनर्स के लिए। और चलो सही है, अभी एक रेज मेरे पास बचा हुआ है जो कि मैं अभी यूज़ नहीं करूँगा, आराम से यूज़ करेंगे अपनी सारी चीज़ों को। ओके तो यहाँ पे एक और बम टावर का स्प्लैश और एक हील यहाँ पे जाएगा और हील जाने के बाद यहाँ पे डाल दूंगा मैं रेज को ताकि इन्फर्नो जल्दी जाए, उसके बाद मेरे जो बाकी माइनर्स हैं वो आके इस विजिट टावर को जल्दी से जल्दी निकाल दें और एक हील जो है मैं बचा के रखूँगा इस वाले कंपार्टमेंट के लिए। मे बी ये 3-स्टार हो जाए, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि कभी कभी चीज़ें जो है सब कुछ सही चल रहा होता है फिर अचानक पता नहीं क्या हो जाता है कि चीज़ें जो है मेसी हो जाती हैं पूरी। तो अभी मैं कुछ प्रिडिक्ट तो नहीं कर रहा हूँ बट मेरे को लग रहा है कि मे बी ये जो अटैक है वो 3-स्टार हो सकता है। एक पेका बचा है, विजर्ड बचे हुए हैं, एक दो जायंट्स भी बचे हुए हैं, क्वीन की एबिलिटी अभी भी बची हुई है तो होप श्योर कि ओके। एक जायंट बम का स्प्लैश डैमेज यहाँ पे जो कि थोड़ा सा अनॉइंग था मेरे लिए क्योंकि विजर्ड 2 विजर्ड को निकाल दिया उसने, बट अभी तक सही चल रहा है सब कुछ। मैं चाहता हूँ कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मैं होल्ड करूँ अपने हील को क्योंकि एक ही हील बचा है मेरे लिए और वो जो विजिट टावर दिख रहा है वो सबसे बड़ा दुश्मन अभी है इस अटैक का। तो चलिए यहाँ पे हील को ड्रॉप कर देते हैं हम लोग और मे बी ये 3-स्टार है, लग रहा है मेरे को ऐसा। तो चलिए देखते हैं, टाइम की तो कोई कमी नहीं है बट यही है कि माइनर्स जाके सारी चीज़ों को टेक डाउन कर लेंगे क्योंकि कोई स्प्लैश डैमेज बचा नहीं है, सारे जो हैं पॉइंट डिफेंस हैं
क्वीन की एबिलिटी यहाँ पे पॉपअप कर देता हूँ ताकि जल्दी से जल्दी क्वीन भी हेल्प करे माइनर्स को। और लास्ट में एक जायंट गियर्ड अप कैनन है जो कि दो शॉट लगेगा मेरे ख्याल से क्वीन को। नहीं, मैं तो अपनी क्वीन के बारे में सोच रहा हूँ जो मेरी 57 लेवल की है। चलो कोई नहीं। सो गाइस ये फाइनल रेड में हमें काफ़ी अच्छा सक्सेस मिला, लूट काफ़ी सही मिला और बोनस जो है वो तो आपको पता ही है क्या है। तो फाइनली बहुत सारा कलेक्ट कर लिया हमने लूट, अब चलिए इसे इन्वेस्ट करते हैं। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट गाइस, मैं पहले सबसे लैब के ऊपर फोकस करूंगा और लैब के ऊपर फोकस मैं यही करना चाहता हूं कि मैं सोच रहा हूं वेलकरी को मैं अपग्रेड में डाल दूं यहां पे, क्योंकि वेलकरी मैं सोच रहा हूं कि वेलकरीज को यूज़ करूं कभी कभी किल स्क्वाड में। तो चलिए यहां पे वेलकरी को ड्रॉप कर देते हैं, अपग्रेड होने में बहुत सही है। अब हमें जो इन्वेस्ट करना है वो अपना गोल्ड है, गोल्ड में इन्वेस्ट करूंगा। अभी मैंने बताया आपको कि हिडन टेस्ला टावर ये अपग्रेड में डाल दूंगा मैं, क्योंकि सारी चीज़ें जो हैं अभी बहुत कॉस्टली है। एक टेस्ला टावर मैं अपग्रेड में दूंगा तो आप देख सकते हैं कि जो गोल्ड है उसकी क्वांटिटी कितनी घट गई है। अभी भी 3 बिल्डर्स फ्री हैं गाइज, और एक चीज़ शायद आपको पता है बहुत अच्छे से कि मेरे जो डार्क लिक्विड ड्रिल्स हैं वो अभी तक मैक्सड आउट नहीं हुए हैं। मैं सोच रहा हूँ एक डार्क लिक्विड ड्रिल को भी अपग्रेड में लगा दूँ, जो कि 50 लाख बहुत ज़्यादा लग रहा है मेरे को। तो यहाँ पे ट्रेन करने डाल देते हैं अपनी आर्मी को, उसके बाद देखते हैं कितना एलिक्सिर बचता है। सो इतना एलिक्सिर बचता नहीं है तो ड्रिल्स को बाद में देखेंगे। अभी फिलहाल मैं सोच रहा हूँ कि गोल्ड और एलिक्सिर तो मेरे को ऐसे ज़रूरत बहुत ज़्यादा हो रही है। सो मैं काम करता हूँ, मैं बिल्डर्स को जो नए लेवल के माइंस आए हमारे गोल्ड माइंस एंड एलिक्सिर कलेक्टर वहाँ पे भी मैं लगा दूँ। तो चलिए यहाँ पे एक और अपग्रेड करते हैं ये वाला। ओके दो और एक मैं कर देता हूँ एलिक्सिर स्टोरेज। ओके सारे एलिक्सिर स्टोरेज और गोल्ड माइंस को मैं अपग्रेड कर लूँगा, मैक्स कर लूँगा तो बहुत मदद हो जाएगी मेरी। तो चलिए ये वाला माइन को अपग्रेड में लगा देते हैं। तो फिलहाल गाइस मैंने सारे बिल्डर्स को बिजी कर दिया है, अभी भी मेरे पास कुछ लूट बाकी है तो एक बिल्डर फ्री भी हो जाएगा आप देख सकते हैं 5 घंटे बाद, और बाकी चीज़ें भी अभी टाइम लगेंगी। अभी देख सकते हैं बाकी जो बिल्डर्स हैं वो काफ़ी टाइम के लिए अभी बिजी हो गए हैं। सो होप श्योर कि जो नई वीडियो आएगी वो कुछ दिनों बाद आएगी, लाइव स्ट्रीम्स करूंगा मैं बीच में। सो बस इस गाइस इस वीडियो में इतना ही था, होप श्योर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर लगा तो जरूर इस वीडियो को एक लाइक देना, चैनल को सब्सक्राइब करना है फर्स्ट टाइम आया हो चैनल पे। मैं मिलूंगा गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे रहें एंड एज यूजुअल गाइस जय हिंद बाय बाय।